नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पटना हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज के मेंस परीक्षा का परिणाम जारी किया, 53 उम्मीदवारों को मिली सफलता। जी हां, डिस्ट्रिक्ट जज मुख्य परीक्षा का परिणाम पटना हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 53 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। अब सफल उम्मीदवारों का इंटरव्यू होगा जिसके बाद उनका चयन किया जाएगा। गौरतलब है कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 177 उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी किया गया था, जिसमें 173 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पर मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ मार्क्स 112, सामान्य महिला वर्ग के लिए 102 और पिछड़ा वर्ग के लिए कट ऑफ मार्क्स 99 रहे हैं। जारी रिजल्ट के अनुसार सामान्य वर्ग में वैसे उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल होंगे जिन्हें लिखित परीक्षा के सभी पेपर में 45% अंक मिले हैं। आरक्षित श्रेणी के लिए न्यूनतम अंक की सीमा 40% रखी गई है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश, अब नए सरकारी भवनों में बनेगा पोलिंग बूथ। इस वक्त की बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर आ रही है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश जारी किया है कि अब वर्तमान मुखिया के घर के 100 मीटर के बाद ही पोलिंग बूथ बनाया जाएगा। नए सरकारी भवनों में बूथ बनाने का निर्देश जारी किया गया है। 5 जुलाई तक सभी डिटेल देने और ईवीएम को ठीक करने का भी निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया है। बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत 3 अगस्त से हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 3 अगस्त से लेकर 3 नवंबर तक 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 दिन पहले सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें अगस्त से चुनावी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया था। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को कहा था कि वे चुनाव की तैयारियां पूरी कर ले। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि 3 अगस्त को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही पहले चरण के मतदान की चुनावी प्रक्रिया हो जाएगी। इसी दिन से नामांकन शुरू होगा। पहले चरण की वोटिंग 27 अगस्त को हो सकती है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक आखिरी चरण की वोटिंग 31 नवम्बर को हो सकती है। आखिरी यानी 10वें चरण के चुनाव की काउंटिंग 2 और 3 नवम्बर को हो सकती है और उसी दिन चुनावी प्रक्रिया सम्पन्न हो जाएगी। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सावधान, संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो FIR होगा, जायदाद और वाहन खरीदा तो 1 महीने में देनी होगी जानकारी। जी हां, सरकार के लगातार निर्देश देने के बावजूद अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले बिहार के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अब सावधान हो जाएं। सरकार उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई तो करेगी ही, उनके खिलाफ थाने में आपराधिक मुकदमा यानी कि FIR भी दर्ज करा दिया जाएगा। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने बुधवार को सभी विभागों के प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त और सभी DM को पत्र लिखा है। मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 25 मार्च 2021 को सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए मार्गदर्शन निर्गत किया था। इसमें कहा गया था कि सभी सरकारी सेवकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा और खरीद बिक्री का ब्यौरा देना है। इसके बावजूद ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि सरकार के आदेश का सही से पालन नहीं हो पा रहा है। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को कहा है कि सरकार के आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं। पत्र में कहा गया है कि सूबे के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिसंबर के बाद फरवरी तक अपनी संपत्ति की जानकारी सरकार को देनी है। अगर किसी को विरासत में संपत्ति मिली है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। सरकार ने इसके लिए प्लेटफॉर्म बना रखा है जहां सभी सरकारी सेवकों को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा घोषणा करना है। सरकार ने तय किया है कि फरवरी का वेतन उन्हें ही मिलेगा जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया हो। बिहार में अगले 3 दिन फिर से होगी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट। जून महीने में मॉनसून के एंट्री के पहले से ही बिहार में बारिश हो रही थी और पूरे जून महीने बारिश का यह सिलसिला जारी रहा। बीते 2 से 3 दिनों में मौसम थोड़ा सा गर्म हुआ, लेकिन एक बार फिर से बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जो ताज़ा जानकारी साझा की है उसके मुताबिक उत्तर बिहार के जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रह सकता है। राज्य में सबसे अधिक बारिश गौनाहा में 210 मिलीमीटर, त्रिवेणी में 130 मिलीमीटर, डेंगब्रिज में 120 मिलीमीटर, रामनगर में 90 मिलीमीटर और बैरगनिया में
80 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसमविदों की माने तो अभी 2 से 3 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इधर बिहार के पूर्वी और उत्तरी भाग में लगातार संवहनीय बादल बन रहे हैं, साथ ही उत्तर बिहार की ओर से मानसून का अक्षीय रेखा गुजर रही है। इस वजह से अगले 72 घंटे में उत्तर बिहार और हिमालय की तलहटी जुड़े जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। महावीर मंदिर के राम रसोई को मिला ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। हर दिन 2000 लोगों को कराया जाता है भोजन। अयोध्या में चल रहे पटना के महावीर मंदिर की ओर से राम रसोई को भारत सरकार के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विभाग ने अपना सर्टिफिकेट दे दिया है। निबंधित ट्रेडमार्क मिलने से अब देश में दूसरी कोई संस्था या व्यक्ति राम रसोई नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने राम रसोई को ट्रेडमार्क रजिस्ट्री सर्टिफिकेट मिलने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि नवंबर 2019 में रामलला के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यह राम रसोई अयोध्या में प्रारंभ की गई थी। अयोध्या के इतिहास में पहली बार महावीर मंदिर पटना ने बाहर के सभी तीर्थयात्रियों के लिए अन्न क्षेत्र प्रारंभ किया था। निबंधित राम रसोई के लोगों में भगवान श्री राम सबरी के बैर खाते हुए दिख रहे हैं। अयोध्या में राम रसोई इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि पटना के महावीर मंदिर का प्रचार प्रसार देश के गांव-गांव में हो रहा है। यहां भोजन के पहले महावीर जी का जयकारा लगता है और हर तीर्थालु को अवगत कराया जाता है कि यह निःशुल्क अन्न क्षेत्र महावीर मंदिर की ओर से चलाया जा रहा है। अयोध्या स्थित अमावर राम मंदिर के परिसर में राम रसोई का संचालन किया जा रहा है। यहां प्रतिदिन औसतन 1000 से 2000 लोगों को भोजन कराया जाता है। जुलाई महीने की शुरुआत होते ही लोगों की जेब को बड़ा झटका लगा है। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने घर में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडरों के दाम में 25 रुपये बढ़ा दिया है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का भाव अब 834 रुपया हो गया है। इससे पहले रसोई गैस की कीमत 809 रुपये थी। हालांकि अप्रैल में सिलेंडर 10 रुपये सस्ता हुआ था। इसके बाद मई जून में कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ था। दिल्ली के अलावा आज से कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर 861 रुपये बिक रहा है। वहीं पटना, मुंबई और चेन्नई में सिलेंडर की कीमत क्रमशः 933, 834 और 850 रुपये मिल रहा है। दिल्ली में इस साल 1 जनवरी को एलपीजी सिलेंडर का दाम 694 रुपये था। 1 जुलाई को ये कीमत 834 रुपये है, यानी कि इस साल 138 रुपये घरेलू गैस का दाम बढ़ गया है। 4 फरवरी को दाम बढ़ाकर 719 रुपये प्रति सिलेंडर किया गया। इसके बाद 15 फरवरी को दाम 769 रुपये और 25 फरवरी को दाम 794 रुपये कर दिए गए। 1 मार्च को सिलेंडर का दाम 819 रुपये कर दिया गया। अप्रैल में 10 रुपये की कटौती की गई। इसके बाद जुलाई में दाम 834 रुपये कर दिया गया है। तो दोपहर की खबरों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।